हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर एडिटोरियल पेज को पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से तैयार किया जाता है। देखिए, एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, और यह भी जरूरी है कि आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा में तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बीपीएससी ही नहीं किसी भी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में, जब तक कि आप खुद को करेंट से अपडेट नहीं रखेंगे। और करेंट से अपडेट रखने का सबसे बेहतर तरीका जो है वह किसी भी न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाला संपादकीय आलेख है। ठीक है, मैं खुद टेलीग्राम पे आपको दो तीन न्यूज़पेपर का संपादकीय आलेख प्रोवाइड करा देता हूं, और उसी में से आज का जो एक महत्वपूर्ण आलेख है, इस आलेख के आधार पे मैं डिस्कस करूंगा कि इसका शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से तैयार किया जाता है, और मैं अब आज का जो एडिटोरियल है इसका शॉर्ट नोट्स भी आपके साथ में दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, एडिटोरियल जो पेज होता है उसको दो तरीके से आप नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह हो गया कि एडिटोरियल पेज को खुद प्रिंट आउट निकाल कर या आप न्यूज़पेपर परचेज करते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसे हाईलाइट करके अपना नोट्स के साथ उसे कंपाइल कर लें, एक ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं तो इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स तैयार करके अपने नोट्स में उसे अपडेट कर लें। ठीक है, आज का ही आर्टिकल है बढ़ती आबादी सिकुड़ता संसाधन। तो सबसे पहले एडिटोरियल को देखते हैं संक्षिप्त रूप में कि कैसे महत्वपूर्ण पॉइंट को हाईलाइट करना है और उसके बाद उसे शॉर्ट नोट्स में अपडेट करना है। ठीक है, टॉपिक है या हमने आर्टिकल जो है वह टेलीग्राम पे भेज दिया। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC Center। अगर अभी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित भरपूर कंटेंट आपको टाइम टू टाइम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आलेख है बढ़ती आबादी सिकुड़ते संसाधन। यह आलेख को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि आबादी जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है वह संसाधन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। आने वाले समय के भविष्य के जो पीढ़ियां होंगी उसके लिए यह एक गंभीर खतरा के रूप में है। ठीक है, यानी कि चिंता के रूप में यहां पर दिख रहा है कि आबादी का बढ़ना और संसाधन का सिकुड़ना यह आने वाले समय के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो यह बेसिकली अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि, जनांकिकी लाभांश, संसाधन आदि से संबंधित टॉपिक है, और यह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 जो ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन है वहां से सवाल इससे बन सकते हैं। या फिर दूसरा, चूंकि अंदर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो रिपोर्ट में स्पष्ट किया हुआ है, आप देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ताजा रपट के मुताबिक, यानी कि यह रिपोर्ट UNFPA की वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 से संबंधित यह आलेख है। तो करेंट में भी पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक को देखने के बाद आप गेस करें कि इससे संबंधित सवाल कहां पर पूछा जा सकता है, किस सेक्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आइए देखिए, कोई भी एडिटोरियल जब आप पढ़ते हैं, ऐसे मैं हाईलाइट करके आपको टेलीग्राम पे भेज भी देता हूँ। ठीक है, तो हाईलाइट को लेकर ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एडिटोरियल जब भी आप पढ़ें तो उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसे ज़रूर पढ़ा करें। फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ही आपको स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर आर्टिकल में किन महत्वपूर्ण चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़कर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला पैराग्राफ है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ताजा रपट के मुताबिक भारत की अनुमानित जनसंख्या 144.17 करोड़ है, यानी कि भारत की आबादी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 144 करोड़ हो चुकी है। इस तरह जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में सबसे आगे है, यानी कि पहले नंबर पर इंडिया है, और आबादी कितनी, 144.17 करोड़। दूसरे नंबर पर चाइना है 142.5 करोड़ के साथ। रपट में बताया गया है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। कहा जाता है कि चीन अब तक जनसंख्या के मामले में सबसे आगे था, इसके बावजूद वह विकास के मार्ग पर अग्रसर रहा, इसीलिए ज़्यादा जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप भारत के मामले में देखेंगे तो भारत जनघनत्व के मामले में चीन से 3 गुना आगे है। तो स्वाभाविक है कि अगर बढ़ती आबादी एक देश के लिए
नुकसानदायक नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक देश के लिए वह फायदेमंद ही साबित हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि चाइना के संदर्भ में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चाइना में भारत की तुलना में अगर चीन में आबादी ज्यादा थी तो वहां पर ग्रोथ रेट भी ज्यादा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां की जो पूरी पॉपुलेशन है वह रिसोर्सेस के रूप में अवेलेबल हो पाई है, बल्कि वहां पर क्या है कि वहां का भूगोल आप देखेंगे कि उसका क्षेत्रफल जो चीन का है वह भारत की तुलना में कहीं ज्यादा है और इसीलिए वहां पर जनघनत्व तो भी अधिक है, विभिन्न प्रकार के अपॉर्चुनिटीज भी अधिक हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे, हमने टेलीग्राम पे भेज दिया, उम्मीद है कि आप लोग टेलीग्राम पे भेजा हुआ जो आर्टिकल है उसे पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट नोट्स बेसिकली हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, आर्टिकल को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसका देखिए कि हम लोग किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको दे दिया गया है, तो हाईलाइटेड पॉइंट को जरूर आप लोग पढ़ लिया करें। अब चूंकि UNFPA से संबंधित रिपोर्ट है, ठीक है, आज का जनसत्ता काल एक बढ़ती आबादी सिकुड़ता संसाधन, UNFPA का रिपोर्ट है। अगर आप लाइन बाय लाइन लिखने लगेंगे तो हो जाएगा कि पूरा एडिटोरियल ही आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। एडिटोरियल में लिखा हुआ हर चीज़ इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, उस वहाँ से जो एक कंक्लूजन और जो क्रक्स निकलता है आर्टिकल पढ़ने के बाद, उस क्रक्स को आप अपना नोट्स में लिखिए, ठीक है। UNFPA आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप लोग समझ चुके थे कि यह आर्टिकल जो है वह UNFPA की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट से संबंधित है, ठीक है। तो हमने चूंकि पहले पैराग्राफ में दिया गया था कि भारत की आबादी 144.17 करोड़ है और चाइना की आबादी 142.5 करोड़ है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट UNFPA के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर डायग्राम के माध्यम से हमने आपको लिख लिया, एज इट इज सेंटेंस को नहीं लिखा, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आप नोट्स में लिखे रहते हैं या फिर वहां पर एग्जामिनेशन में आप यूज कर लेते हैं तो ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना, आपका समय भी बचत हो जाएगा और ज्यादा चीजें आप आंसर में लिख भी पाएंगे, ठीक है। अगर आप UNFPA की रिपोर्ट देखेंगे, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, तो भारत की पूरी आबादी को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका कैटेगराइजेशन किया गया है वह 0 से 14 वर्ष की जो आबादी है वह भारत की कुल आबादी का 24% है, 10 से 19 वर्ष वाले जो आबादी है भारत में वह कुल आबादी का 17% है, 10 से 24 वर्ष वाले जो आबादी है भारत में वे कुल आबादी के 26% हैं और 15 से 64 वर्ष वाले जो आबादी है भारत में वे कुल आबादी के 68% हैं और 65 से ज़्यादा आबादी वाले जो लोग हैं भारत में वे कुल आबादी का 7% है। यह रिपोर्ट में नहीं कहा गया है, लेकिन चूंकि UNFPA की रिपोर्ट से संबंधित आर्टिकल है तो आप इससे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट की महत्वपूर्ण अन्य चीज़ें हैं उसे भी आप सर्च करके एक ही पेज में लिख लें, अलग अलग हर चीज़ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये 5 वर्ग में कैटेगराइज किया गया है, आप लोग इसे लिख लें। इससे लिखने का इसे हमारा मेन पर्पस यही है, क्योंकि दूसरा जो पैराग्राफ है इसी से आकर जुड़ रहा है। भारत की पूरी आबादी का अंदर आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी आर्टिकल में, पहले एक बार आर्टिकल पढ़ लीजिए उसके बाद वीडियो देखिए तो ज़्यादा आप समझ पाएंगे। भारत की पूरी आबादी का 68% आबादी कामकाजी है, कामकाजी का मतलब 15 से 64 वर्ष वाले। इसके आधार पर विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के विकास की प्रबल संभावना है, पर बेरोजगारी यहाँ की प्रमुख चुनौती है। सरकार बढ़ती आबादी को संसाधन के रूप में विकसित नहीं कर पाई है, ठीक है। आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, तो आप हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग देखने से ही आपको लग जाता है कि एक चिंता के रूप में आर्टिकल लिखा गया है कि बढ़ती आबादी सिकुड़ते संसाधन, यानी कि आबादी तो बढ़ रहा है लेकिन संसाधन जो है वह दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। तो एक चिंता व्यक्त की गई है और चिंता व्यक्त यही की गई है कि भारत में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है उस तेजी से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर हाल ही में ILO की रिपोर्ट देखेंगे, कल का जो आर्टिकल था जनसत्ता का वह ILO की बेरोजगारी रिपोर्ट से संबंधित था, वह भी आर्टिकल महत्वपूर्ण था। तो कल की जो आर्टिकल दिया गया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ILO की जो बेरोजगार भारत रोजगार रपट 2024 जारी की गई है उसके अनुसार भारत की 83% जो युवा हैं वह बेरोजगार हैं। अब बेरोजगारी की स्थिति को आप लोग यहां से समझिए, 2000 के दशक के बाद अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी में दुगनी वृद्धि हो चुकी है 2000 से लेकर अभी तक। कुल युवा अगर 100 हैं
अब युवा, तो 100 में से 83 युवा जो है वह बेरोजगार हैं, यह बेरोजगारी की भयावह को दर्शा रहा है। तो आबादी बढ़ रही है, आर्टिकल में यही कहा गया है कि आबादी बढ़ रही है लेकिन उस अनुपात में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी यहाँ की महत्वपूर्ण चुनौती है और सरकार भी इसको टैकल करने में सक्षम नहीं है। तो स्वाभाविक है कि अगर पूरी मानव आबादी को हम संसाधन में डेवलप नहीं कर सकते तो हमारा रास्ता किस तरफ जाएगा कि आबादी को कंट्रोल करें। अगर आबादी बढ़ रही है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आबादी में वृद्धि हो रही है तो दो इसके आप उपाय कर सकते हैं। पहला, इस आबादी को आप संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में आप डेवलप करें ताकि देश की तरक्की में इनका महत्वपूर्ण योगदान, कंट्रीब्यूशन ये निभा सके, ठीक है। इसे ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में डेवलप किया जाए, इसको स्किल्ड रूप से इनको डेवलप किया जाए, कुशल मानव श्रम जो होता है उसके रूप में इनको विकसित किया जाए, एक ये उपाय किया जा सकता है। दूसरा जो है, अगर आबादी बढ़ रही है तो आप नीतिगत तौर पर इस वृद्धि को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, यही दो उपाय आपके पास है, या तो आप उनको स्किल्ड करें, स्किल्ड लेबर के रूप में ट्रांसफर करें, तब जाकर वो मानव संसाधन के रूप में विकसित हो पाएंगे और ग्रोथ के साथ जुड़ पाएंगे, अन्यथा फिर आबादी को कंट्रोल करने पर ही फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक चीज में चाइना के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, चाइना की भौगोलिक अवस्थिति, वहाँ की जनसंख्यिकी अवस्थिति वहाँ की अलग हो सकता है, नीति पॉलिसी अलग हो सकती है। जैसे हमने क्षेत्रफल के रूप में हमने देखा, चाइना का क्षेत्रफल जो है भारत से कहीं ज़्यादा चाइना का क्षेत्रफल है, इसीलिए वहाँ पर जनघनत्व कम है और आबादी होते हुए भी वहां पर लोगों को वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के आर्थिक विकास से जोड़ पाया है, ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में डेवलप कर पाया है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि सरकार इसको संसाधन के रूप में डेवलप नहीं कर पाई है, तो यह एक चिंता के रूप में उभरती है और यह चिंता जो है वह जनसंख्या नियंत्रण की ओर जाता है। विशेषज्ञों का तर्क है कि चीन सर्वाधिक आबादी वाला देश होते हुए भी विकास के मार्ग पर अग्रसर रहा, पर भारत जनघनत्व चीन की तुलना में भारत में जनघनत्व 3 गुना अधिक है और जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव आप देखेंगे कि चाहे वह जलवायु परिवर्तन का मामला हो या पर्यावरण प्रदूषण का मामला हो, जनसंख्या वृद्धि ही उसका मूल केंद्र बिंदु होता है। मेन जो जड़ है समस्या की वह जनसंख्या बिंदु ही है, जनसंख्या वृद्धि ही है। कारण कि सरकार जनसंख्या कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है, उस तरह से सरकार जो है एडवर्टाइज नहीं कर पा रही है, लोगों को जागरूक नहीं कर पा रही है, सिर्फ जो है वह सरकार के द्वारा पॉलिसी बना देने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता, इसके लिए जन जागरूकता फैलाना पड़ेगा बड़े स्तर पे। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बिंदु होगा वह शिक्षा, शिक्षा के कारण आप देखेंगे बिहार का ही आप एग्जाम्पल लीजिए कि 2000 के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री कई बार इस बात को भी कह चुके हैं कि जैसे जैसे स्त्री शिक्षा की दर में वृद्धि होती गई, समाज में जागरूकता चला आया, पुरुष लोग जागरूक होते गए, जो जनसंख्या दर है उसमें बिहार में भी कमी देखने को मिली है, ठीक है। तो जागरूकता और शिक्षा ये सारे पैदान है जिसके आधार पर जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा परिवार नियोजन पर बल दिया जा रहा है, जागरूकता हेतु विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसके बावजूद इसका सकारात्मक परिणाम हमें देखने को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ये सारे कागजी ज्यादा दिखते हैं। सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के जो भी उपाय किए जा रहे हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उनके द्वारा वे कागजी अधिक दिखते हैं और इसी कारण है कि इसका कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार के द्वारा विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में, अगर मान लेते हैं कि कोई गरीब को खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाएगा, तो फिर वैसे विज्ञापन का क्या फायदा, जब वो उस माध्यम को समझ ही नहीं पाए कि किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण के क्या फायदे होंगे, वह उन्हें लोगों को समझाना पड़ेगा और लोग तभी ज्यादा समझ पाएंगे जब वे एजुकेटेड होंगे और वे शिक्षित होंगे, ठीक है। तो एडिटोरियल में ही बताया गया है जनसंख्या नियंत्रण के सरकार ये प्रयास कर रही है और कुछ सुझाव भी एडिटोरियल में ही दिया गया है, ठीक है। एक एडिटोरियल पढ़ने से आपके कई सारी चीज जो है, कई सारे डायमेंशन खुलते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे, स्पेशली ISPC सेंटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा,
ISPCA सेंटर, ठीक है। यहाँ पर दो दो तीन तीन जितने महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर के आर्टिकल होते हैं वो सारा शेयर कर दिया जा रहा है। आपको कहीं भी इधर उधर ग्रुप में सर्च करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जो कि पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, उसे भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। जो महत्वपूर्ण मैगजीन्स होते हैं उसे भी प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी यूट्यूब चैनल के जरिए मॉडल आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं, पीटी का टेस्ट सीरीज, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिस्कस किया जा रहा है। तो वन जो एक सॉल्यूशन होता है प्रोवाइड कराने का काम हम लोग करा रहे हैं। हर एक चीज आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हो पा रहा है, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण के सुझाव में बताया गया है कि शिक्षा का प्रसार, हमने बताया आपको, आप एग्जांपल के रूप में यहां पर लिख सकते हैं कि जो साउथ के स्टेट्स हैं वहां देखिए, केरला में आप देख लीजिए, केरला का ग्रोथ आप वहां पर देखिए, केरल की एजुकेशन साक्षरता दर आप वहां पर देखिए और वहां पर जनसंख्या वृद्धि का दर देखिए, ठीक है। अब तमिलनाडु का एग्जाम्पल लीजिए, तमिलनाडु का आप साक्षरता दर वहां पर देखिए कितनी है और वहां पर जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से है। तो आपको दिख जाएंगे कि शिक्षा का प्रत्यक्ष जो कनेक्शन है वह जनसंख्या वृद्धि से जाकर जुड़ जाता है। जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे, लोग यह समझ पाएंगे कि हाँ अधिक जनसंख्या होगी, अगर अधिक बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज में दिक्कत होगी, तब वे जाकर कहीं ना कहीं लोगों के स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण का प्रभाव दिख पाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की मानसिकता होती है, जो गरीब लोग होते हैं स्पेशली, कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा उनको वे ज्यादा छोटे से युवक कमाना शुरू करेंगे तो ज्यादा आय आ पाएगी, ठीक है। वहां पे 10 साल 12 साल के जैसे ही बच्चे होते हैं काम करना शुरू कर देते हैं तो उनकी एक मानसिकता इस तरह से होती है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा अर्निंग हो पाएगी, घर में ज्यादा संसाधन आ पाएगा, ज्यादा पैसे आ पाएंगे। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर वे में पोषण नहीं मिल पाएगा, खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाएगा, वे इस बात को नहीं समझ पाते। और ये तभी समझ पाएंगे जब समाज में एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जागरूकता का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। जागरूकता कार्यक्रम स्पेशली बच्चों को लेकर लोगों की सोच बदलना और गर्भ निरोधकों का मुफ्त वितरण करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलेगा, उससे ग्रास रूट लेवल पे सरकार को काम करना पड़ेगा। योजना बनाते समय सरकार को व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर कई सारे जो एनजीओ वगैरह हैं उनका वो भी कोई ज्यादा सकारात्मक अभी तक प्रभाव नहीं डाल पाए हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो इन सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब देखेंगे कि ये एक पेज भी नहीं है, यह बेसिकली आधा पेज में अब पूरा एडिटोरियल का जो शॉर्ट नोट्स है वह इसे हमने प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है, इधर आप देखेंगे जो अभी हमने बताया कि शिक्षा और आर्थिक विकास की सीमित पहुंच के चलते समाज के बड़े हिस्सों में बच्चों को कमाई का जरिया माना जाता रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जितने सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया आर्टिकल अभी नोट्स के रूप में, वे सभी आपको अंदर आर्टिकल में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसका तैयार किया करें। शॉर्ट नोट्स के लिए दो ही तरीका होंगे, पहला या तो आप आर्टिकल को प्रिंट कराकर नोट्स के साथ कंपाइल कर ले, लेकिन इसका एक यह भी खतरा है कि जब आर्टिकल को आप प्रिंट कराएंगे तो कुछ दिनों के बाद जब आप पेज के साथ लगाएंगे तो ये जो प्रिंट आएगा निकलकर, ये जो वर्ड है निकलकर जो प्रिंट आएगा वो कुछ दिनों के बाद वो इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको दिख ही नहीं पाए वर्ड, मतलब यह प्रिंट जो छूट जाएगा, यह हो रहा है हमारे साथ, यह इशू हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक हालांकि कुछ दिनों के लिए आप एक महीने दो महीने के बाद यूज करना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट आर्टिकल को पढ़िए, सबसे बेहतर तरीका यही होगा। दिन में समय निकालिए, आधे घंटे का समय निकालिए, दो आर्टिकल आप आराम से पढ़ सकते हैं। आर्टिकल को आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद जो अभी हमने शॉर्ट नोट्स बनाया उसी प्रकार से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाकर जिस टॉपिक का नोट्स है उसे टॉपिक के साथ तुरंत उसे जीप पिन के माध्यम से उसे कंपाइल कर लें नोट्स में, वह आपका नोट्स हो जाएगा। उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है बार बार रिवीजन करते रहें, देखते रहें, और फिर अगर उसी टॉपिक से संबंधित कोई आर्टिकल आता है तो नई पेज में लिखने के बजाय इसी पेज में जैसे हमने लिखा नीचे स्पेस खाली रह गया, अगर आपको लगे कि फिर कोई आर्टिकल इसी टॉपिक और इसी रिपोर्ट से संबंधित आता है तो ये जो स्पेस बच गया है इसी स्पेस का आप उस आर्टिकल को लिखने में यूज कर लें, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा और चीज़ों को समझने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा के बाद ये सब हो नहीं पाता है, क्योंकि आपको बहुत सारे काम हो जाते हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। तो आज के वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पस यही था कि एडिटोरियल पढ़ने के बाद किस प्रकार से आप लोग नोट्स बना पाएंगे और एडिटोरियल का लाभ आप लोग किस प्रकार से लें। टेलीग्राम पे तो कई सारी चीजें भेजी जाती है लेकिन उसको यूज करना
अपनी तैयारी के साथ उसको किस प्रकार से जोड़ रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी के दौरान काफ़ी लाभदायी साबित होगी। आप सभी से निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। आप लोग लाइब्रेरी में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, हर एक दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस YouTube चैनल का लिंक शेयर करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकें और अपनी तैयारी में लाभान्वित हो सके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।